हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर कौन सा सिक्स लेक्चर नंबर सिक्स। काफी सिंपल है आप लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट, जैसा आप लोगों ने अभी तक डील किया है वैसे ही धीरे धीरे चलना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने HNO3 के बारे में कम्प्लीटली कवर अप कर लिया था, काफी ईजी था, काफी सिंपल था। आज हमको HNO3 का केमिकल प्रॉपर्टी को समझना है। तो एक्चुअली हमारा क्या चल रहा था, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। अब कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला था हमारा सबसे पहला था हमारा N2, ठीक है। N2 के बाद हमारा क्या था बच्चों, NH3। NH3 के बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर हमारा था ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब सबसे पहले N2 और NH3 के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, N2O के बारे में बताया था, NO के बारे में बताया था, N2O3 के बारे में बताया था, देन आफ्टर NO2 के बारे में बताया था, देन आफ्टर मैंने यहाँ पर आपको N2O5 के बारे में बताया था, जो कि आप लोगों को काफी इजीली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सी एसिड। मैंने बहुत सारे टाइप के बताए थे, फिर से समझ लेते हैं। H2N2O2 था, एक था हमारा H4N2O4, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो ऑक्सैलिक एसिड। फिर हमारा क्या था बच्चों, HNO2 था, फिर हमारा था HNO3। ये पूरा NCERT में दिया हुआ है बच्चों, थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। ये हमारा HNO4, ये चार थे और इसके ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को याद रखने हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। चलो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चल रहे थे यहाँ पर HNO3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कल हम HNO3 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी बच गई थी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HNO3 आपके सिलेबस में है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो आपको ऐसे याद होगी कि कभी आपको जिंदगी भर भूलोगे नहीं। बड़े अच्छे तरीके से देख लेते, अब देख लेते यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 का केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले HNO3 आपका क्या होता है बच्चों, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत बढ़िया बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन रिएक्ट विद वीक बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो। क्लियर हुआ? तो जैसे अगर मैंने यहां पर बात कर लिया HNO3 को अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये वाला रिएक्शन आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। यहां पर बनेगा NO3-, यहां पर बनेगा NO3-, और ये अपना H+ इसको डोनेट करेगा, मतलब प्रोटोनेशन होगा। ये आयोनिक इक्विलिब्रियम का है आपका, काफी इजीली आपने अगर रिएक्शन लिख के कोई क्वेश्चन सोल्व किया होगा तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन लिख के क्वेश्चन सोल्व करने की टेंडेंसी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, आप लोगों को अपने आप में, बात क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर मैंने किया बच्चों यहाँ पर HNO3 की रिएक्शन मैंने करवाई आप लोगों की किसके साथ, NaOH के साथ, ये क्या है बेस है, तो क्या बनेगा बच्चों, NaNO3 बन जाएगा। ये आपका एसिड हो गया और ये आपका हो गया बेस, तो क्या बन जाएगा, NaNO3, और क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर, H2O। अगर मैंने HNO3 की रिएक्शन किसके साथ करा दी, HNO3 की रिएक्शन मैंने करा दी NaHCO3 के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, H2CO3 बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, NaNO3, ठीक है। अगर मैंने HNO3 की रिएक्शन, ये हमारा वीक बेस है, ये हमारा कौन सा बेस है, वीक बेस। अब देखो Na2CO3, ये भी हमारा कौन सा बेस होगा, वीक बेस होगा। इसके साथ अगर मैंने रिएक्शन कराई HNO3 की, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, NaNO3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2CO3। तो आप जैसा समझ पा रहे हैं यहाँ पर इजिली कि ये आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सबके साथ आप लोगों का रिएक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि NA वाले के साथ करेगा, अगर इसकी रिएक्शन CaOH के होल ट्वाइस के साथ करा दी तो भी आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर,
यहां पर रिएक्शन हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस और यहां पर H2O। बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये तो था स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये खुद में क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये खुद में क्या होता है बच्चों, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस बात को आप लोगों को समझ लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम समझते हैं HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हटाऊं रिएक्शन विद नॉन मेटल। जब ये आपके नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बातों को ध्यान से समझो। जब ये आपके नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब क्या होगा, जब ये आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो यहां पर HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। इफ अब आपके माइंड में आएगा, सर मैंने अगर डाइल्यूट HNO3 मिला दिया तो क्या होगा, तो अगर आपका डाइल्यूट HNO3 मिलाया तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। डाइल्यूट HNO3 कैन नॉट रिएक्ट विद अ नॉन मेटल, वो नॉन मेटल के साथ आपका रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहां पर ओनली कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा। डाइल्यूट HNO3 कैन नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल। मतलब डाइल्यूट HNO3 आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहां तक आई होप कि आप लोगों को बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बातों को समझते हैं कि इससे रिलेटेड रिएक्शन क्या है। तो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हम लोग। तो एग्जांपल समझते हैं बच्चों एक एक करके। अगर मैंने यहां पर कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन, किसकी, ग्रेफाइट की, नॉट डायमंड नहीं आएगा। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दी, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, कॉक HNO3 के साथ करा दिया तो कार्बन, ध्यान देना मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को फॉलो करो। देखो नॉन मेटल है, अगर नॉन मेटल का अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो यहां से आपका NO2 गैस निकलेगा और साथ में क्या बनेगा, एक एसिड ऑफ नॉन मेटल का एक एसिड बनेगा। तो यहां पर अगर कार्बन के साथ रिएक्शन कराए तो कार्बन का एक एसिड होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड प्लस क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर आपका NO2 गैस बाहर निकल जाएगी। और मैंने आपको बताया था, मैं NO2 के प्रिपरेशन मेथड में आप लोगों को काफी ज्यादा डिटेल बताऊंगा। देखो NO2 का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया ये अपने आप में एक, ठीक है, अपने आप में एक NO2 का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया ये आपका। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं इसका, और बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मैंने एसिड की रिएक्शन करा दी, किसकी रिएक्शन करा दी, एसिड की रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दी तो क्या होगा, अब बताओ सल्फर का कौन सा एसिड एक वाला होता है। आई होप कि आपको याद होगा बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान रखो नाम, सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में आपका कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी। इसी तरीके से मैंने अगर आयोडीन की रिएक्शन करा दी, मैंने अगर किसकी रिएक्शन करा दी बच्चों, आयोडीन की। इसी तरीके से मैं बहुत सारे कंपाउंड की रिएक्शन आप लोगों को करवा सकता हूं। तो मैं बता देता हूं बच्चों कौन कौन सी रिएक्शन है आप लोगों के, यहां पर देख लेते हैं आपके सिलेबस में। इसी तरीके से मैंने अगर एसिड की रिएक्शन करा दी, अगर मैंने यहां पर P4 क्या है, फॉस्फोरस ऑल्सो अ नॉन मेटल। फॉस्फोरस अपने आप में खुद क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होता है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दिया तो क्या होगा, देखो यहां पर होगा H3PO4, जो कि क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में क्या निकलेगा, NO2 गैस। साथ में क्या निकलेगा, NO2 गैस। काफी सिंपल लग रही होगी आप लोगों को। आगे देखो, अगर मैंने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का,
तो यहां पर क्या बनेगा, आयोडिक एसिड, HIO4, क्या बनेगा, आयोडिक एसिड। ठीक है, तो क्या बन गया यहां पर साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस। देखो वही आपका कंसेप्ट है ना, रिपीट हो रहा है, नॉन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 NO2 गैस और साथ में एक एसिड बनेगा। देखो कंसेप्ट एक ही रिपीट हो रहा है, हम बार बार नए नए कंसेप्ट नहीं लेंगे, हम एक ही कंसेप्ट से आगे की ओर वो मोमेंट को फॉलो करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। इस तरीके से होता है रिएक्शन, और भी रिएक्शन हो सकता है लेकिन नॉन मेटल के लिए अभी आपका आप लोगों का सफिशियंट है। ठीक है, अब हम आगे की रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, आगे की रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, आगे की फर्दर रिएक्शन, फर्दर अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पर रिएक्शन तो क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर फर्दर। अब यहाँ पर समझना, जो आपका रिएक्शन तो नॉन मेटल था, अब नॉन मेटल के कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, हाँ नॉन मेटलिक कंपाउंड के साथ, तो रिएक्शन विद नॉन मेटलिक कंपाउंड, रिएक्शन विद नॉन मेटलिक कंपाउंड, नॉन मेटलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ठीक है, नॉन मेटेलिक कंपाउंड। अब देखो क्या करता है कि HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अपने बगल वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, अपने बगल वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट इट रिड्यूस बगल वाले को, अपने साथ वाले को रिड्यूस करेगा। तो यहां पर क्या होगा, जैसे नॉन मेटल कंपाउंड H2S है मेरे पास, एग्जांपल बता देता हूं यहां पर जैसे H2S है, H2S की रिएक्शन अगर मैंने HNO3 के साथ करवा दी, कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड ओनली, नॉट डाइल्यूटेड है, ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये बात समझना यहां पर ये बात समझना कि यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यहां पर S आपका क्या है बच्चों, -2 है, ठीक है, तो ये तो खुद में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो खुद में क्या है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये अगर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑब्वियसली बात है, ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अब यहां पर अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सल्फर बनेगा। आप देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। तो मतलब अपने मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, यहां ऑक्सीडाइज हो सकता है, यहां ऑक्सीडाइज हो सकता है। बात समझ में आई, इस बात को थोड़ा फोकस करो कि यहां पर क्या हो सकता है बच्चों, ऑक्सीडेशन आप लोगों का हो सकता है और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, NO2 निकलेगी, और यहां पर क्या होगा बच्चों, आपका H2 होगा। बात क्लियर है, एक और एग्जांपल समझते बच्चों, एक और एग्जांपल थोड़ा सा टेक्निकली हम लोग डील करेंगे, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर अगर मैंने SO2 के साथ रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, ठीक है, तो क्या यह ऑक्सीडाइज होगा, आपके माइंड में आएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो थोड़ा समझो, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। निकालिए आप लोग निकालने की कोशिश करो, इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, कैलकुलेट करो पहले, सल्फर का क्या है, +4 है। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर सल्फर का +4 है तो सल्फर कौन से ग्रुप में आता है, सल्फर कम्स इन द ग्रुप 6th, तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने इसी फैमिली में बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां लाई करता है, ग्रुप नंबर -8 टू ग्रुप नंबर। अब देखो सल्फर का कहां से कहां लाई करेगा, -2 से 6, तो यहां पर तो +4 है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, तो मतलब +6 में तो जा सकता है, तो ये अपने आप को +6 में कन्वर्ट कर देगा SO3 में, और साथ में क्या आ जाएगा, NO2 गैस और H2O गैस। देख लो ध्यान से, इसका आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका आपका क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन हुआ। बात क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहां पर ऑक्सीडेशन फिनोमिना प्रोसीड होता है। अगर मैं बोलना चाहूं एज एग्जाम्पल मैंने बोलना चाहा कि CO2 की बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर भाई साहब हमने CO2 की बात कर ली। आप देखो CO2 का यहाँ पर कितना है, +4, और ये कौन से ग्रुप में आता है, 4th ग्रुप में आता है, ये आपका कौन से ग्रुप में आता है बच्चों,
फोर्थ ग्रुप में आता है, मतलब 1-4 ये वाले ग्रुप में आता है। चलो ये वाले ग्रुप में आता है आप लोगों का, तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मैंने आप लोगों को निकालना बताया। ग्रुप नंबर जीआरपी नंबर -8 और यहाँ पर क्या होता है जीआरपी नंबर, तो कहाँ से कहाँ होता है -4 से ऑक्सीडेशन नंबर 4 तक लाई करेगा इसके लिए। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा तो क्या ये अब +5 का तो बना ही नहीं सकता ना, तो यहाँ पर इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज। यहाँ पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ये आपका ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, ये आपका क्या नहीं होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहां तक तो सिंपल चला हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों, अब हम एग्जांपल पे, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा बच्चों देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कैन शुगर, अब ध्यान रखो आज से कैन शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 काफी काम आएगा फिजिकल में एज वेल एज ऑर्गेनिक में, आप में काफी काम में लेने वाला हूँ। कैन शुगर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कैन शुगर की रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवा दिया तो यहाँ पर आपका ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड बनता है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH, दैट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी NO2 गैस। तो देखो यहाँ पर NO2 गैस का प्रिपरेशन मेथड भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है, NO2 गैस का प्रिपरेशन मेथड भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो NO2 गैस कहाँ काम में आएगा, जहाँ पर HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पर HNO3 आपकी किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, वहाँ पर आपका क्या होगा NO2 गैस का प्रिपेयर हम वहाँ से कर सकते हैं। ये एक टेक्निक था, ये एक ट्रिक था जो आप लोगों को समझना है, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद मेटल, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। अब देखो रिएक्शन विद मेटल, तो ट्रिक तो मैं बोलूंगा आपको ध्यान रखना है ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर देख लेते हैं ट्रिक, रिएक्शन विद मेटल फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। आप पहले समझो मेटल के साथ रिएक्शन, आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई है, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई गई होती तो मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही ट्रिक आप लोगों के काम आएगी, यही ट्रिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगी। तो आप लोगों को बता देता हूं मैं, यहां पर लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लादीन महान, जान कर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रभु है, फिर CUHG AGPTAU। ये आपका है कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर कैटायंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर कैटायंस, इसको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर कैटायंस। अब बात समझना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो जो भी एटम अगर जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो सारे कौन से होते हैं बच्चों, नेगेटिव SRP वाले, कौन से होते हैं नेगेटिव SRP वाले, और जो हाइड्रोजन के नीचे आए हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं पॉजिटिव SRP वाले, ठीक है। कौन कौन से मैंने आपको बताया, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो सारे के सारे कौन से हैं नेगेटिव SRP वाले, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कौन से बच्चों आप लोगों के पॉजिटिव SRP वाले। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से बच्चों, थोड़ा आइडेंटिफाई करो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन से, PbA, SnA, FeA, ZnA, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है, CuA, HG हटा दो, CuA, AG है, PtA, समझ में आया।
CU HG और PT। तो इस बात को समझना है आप लोगों को। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये CU HG और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, PT, और यहाँ पर CU AG PT PT, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ZN। हम इसी की डिस्कशन करेंगे, ZN FE SN और PB, हम इसी का खास तौर से डिस्कशन करने वाले हैं, और कुछ जुड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया नेगेटिव SRP और पॉजिटिव SRP। इसको एक्चुअली में कभी कभी बोला जाता है बच्चों एक्टिव मेटल, इसको कभी कभी एक्चुअली में साथ में क्या बोला जाता है बच्चों, एक्टिव मेटल। इसको हम लोग एक्टिव मेटल भी बोलते हैं। कौन सा मेटल बोलते हैं? एक्टिव मेटल भी बोलते हैं, और इसको एक्टिव मेटल भी बोलते हैं, और कुछ आपके नोबल मेटल भी होंगे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से चलेगा। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ HNO3 समझ लेते हैं। यहां पर इस रिएक्शन के लिए, जो आप रिएक्शन बताने वाला हूं उसके लिए, टाइप ऑफ HNO3, HNO3 आपके कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों आपका कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है आपका कौन सा, डायल्यूटेड, एक कौन सा होता है बच्चों आपका, वेरी डायल्यूटेड। अब वेरी डायल्यूटेड का मतलब 5-6% HNO3, डायल्यूटेड का मतलब 20-30% कॉन्सेंट्रेट HNO3, और यहाँ पर 70% कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड अलग होता है, डायल्यूटेड अलग होता है, और आपका जो वेरी डायल्यूटेड होता है वो अलग होता है। अब इन तीनों के साथ आपकी रिएक्शन डिफर कर जाती है मेटल्स की। तो मैं वो आप लोगों को डिफर कर रहा है रिएक्शन, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर HNO3 रिएक्शन विद मेटल। अब देखो सबसे पहले इसको मैंने तीन डिवीजन में डिवाइड कर दिया। हाँ, इसको मैंने तीन डिवीजन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले यहां पर लिया मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यहां पर मैंने लिया डाइल्यूट HNO3, और यहां पर मैंने लिया वेरी डाइल्यूट HNO3। क्या लिया? वेरी डाइल्यूट HNO3। अब बात समझना है यहाँ पर कि मैंने तीन तरीके के, मैंने HNO3 ले चुका हूँ। अब आपको रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट समझना है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये आपका रिएक्ट करेगा नेगेटिव SRP एज वेल एज पॉजिटिव SRP, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। अब नेगेटिव SRP वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे वो थोड़ा आप लोगों को फोकस करना है। यहाँ पर नेगेटिव SRP वाले एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिंक PB FE SN, ये कौन से हुए बच्चों आप लोगों के, नेगेटिव SRP वाले, ठीक है, नेगेटिव SRP वाले। और यहाँ पर SN हटा दो, FE का ही आपको मैक्सिमम दिया गया है। अब पॉजिटिव SRP वाले कौन कौन से होंगे बच्चों, CU आप लोगों का कौन कौन सा होगा, देखो वो वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, वीडियो को पॉज करो, और थोड़ा सोचो कि कौन कौन से सर ने लिखवाए थे। ट्रिक मैंने आपको बताया, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे, अल्लाह दी महान जानकर फेंकी सीढ़ी, कोई नीचे सुनो प्रभु है, CU AG PT AU। दिस इज अ ट्रिक फॉर लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का, वो एक सिंपल तरीका है। अब देखो यहाँ पर AG और HG के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा। अब जब इसके साथ आपका HNO3 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, NO2 बनेगा। यहाँ पर आपका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, NO2। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका रिड्यूस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है बच्चों,
एनओ टू, यहां पर भी आपका रिड्यूस प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एनओ टू। बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ में आ गया ना। डाइल्यूट एच एन ओ थ्री, अब डाइल्यूट एच एन ओ थ्री में भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट चलेगा। अब ये भी आपका, इसको मैं अलग मार्कर से बनाता हूँ ताकि आपको मिलना जाए आप लोगों के कंसेप्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉजिटिव एस आर पी और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेगेटिव एस आर पी। अब देखो पॉजिटिव एसआरपी के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा बच्चों। पॉजिटिव एसआरपी मतलब सी यू ए जी एच जी, ठीक है, यहां पर जेड एन एफ ई और यहां पर पी बी आ जाएगा। ये बात का ध्यान रखना, पी बी इज एक्सेप्शन ऑफ दिस कंसेप्ट। पी बी आपका इस कंसेप्ट का क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है। पी बी आपका इस कंसेप्ट का क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक्सेप्शन है, ध्यान रखना यहां पर। अब ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर रिड्यूस प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जो रिड्यूस प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा एनओ, और यहाँ पर जो रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, N2O। हाँ अब बात करते हैं बच्चों वेरी डाइल्यूट। तो वेरी डाइल्यूट में ध्यान रखना, ओनली ओनली नेगेटिव एस आर पी एलिमेंट कैन रिएक्ट, ओनली नेगेटिव एस आर पी एलिमेंट कैन रिएक्ट। केवल और केवल नेगेटिव एस आर पी का एलिमेंट आपका बनेगा, और ये क्या बना लेगा, ये एक्चुअली में आप लोगों का बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ये एक्चुअली में आप लोगों का क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट एज अ रिड्यूस प्रोडक्ट, एज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। तो ये तो था हमारा रिएक्शन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे। साथ में हर जगह आपका H2O बनेगा, साथ में हर जगह आपका H2O बनेगा, ये चीज का फोकस रहे। H2O साथ में लेके चलना है हमेशा, पानी बिना जीवन कहाँ, तो इसीलिए H2O को साथ में लेके चलना है। चलो अब हम देख लेते हैं बच्चों कैसे होता है रिएक्शन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ओनली। अब देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया, अब इस बात को ध्यान से समझना है, जो मैंने आपको बताया वो बात को ध्यान से समझना है। आपके मन में आ रहा होगा सर और अदर एलिमेंट भी तो है, और अदर एलिमेंट भी तो है, और अदर मेटल भी तो है जो इसके साथ रिएक्शन कर पाएंगे। पॉजिटिव एसआरपी के तो आपने बहुत सारे गिनवा दिए हमको, सॉरी नेगेटिव एसआरपी के तो हमके बहुत सारे आपने गिनवा दिए सर, लेकिन और अदर एलिमेंट भी तो है जो रिएक्शन कर सकते हैं। आपके मन में आया होगा, आया होगा ना, तो वो कैसे डील करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। अब ये बात ध्यान रखना, अगर मेरे एग्जाम में लिखा हुआ मिले, एग्जाम में मेरे लिखा हुआ मिले एग्जाम पोर्शन में जेड एन प्लस एच एन ओ थ्री कॉन्सेंट्रेटेड, तो आपके मन में क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जल्दी बोलो बच्चों, आपके मन में प्रोडक्ट क्या आएगा। यहां पर आपके मन में प्रोडक्ट आएगा NO2 और जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा, वो बात कंफर्म है। वो जिंक का नाइट्रेट मतलब मेटल नाइट्रेट बनना ही है, मेटल नाइट्रेट तो सब में बनना है, मेटल नाइट्रेट आपका सब में बनना है, ये आपका रिड्यूस प्रोडक्ट, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं तो मैंने लिया जेडन की रिएक्शन, सर मैंने बोला सर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, आपके मन में आया होगा सर आपने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो अब देखो यही क्वेश्चन है जी, यहाँ पर एच एन ओ थ्री नहीं दिया गया था तो आप लोग डिसीजन नहीं ले पाओगे, नहीं दिया गया हो तो कॉन्सेंट्रेटेड मानना है, अगर दिया गया हो तो डायल्यूटेड ही होगा। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया डायल्यूटेड है ये, अब जल्दी बोलो बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पर आपका N2O बनेगा और जिंक नाइट्रेट ही बनेगा, यहाँ पर आपका N2O बनेगा और जिंक नाइट्रेट ही बनेगा। और अगर मैं अदर एग्जाम्पल ले लूँ बच्चों, थोड़ा सा फोकस करो माइंड पर स्ट्रेस डालो बच्चों, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आएगा, ये HNO3 है, मैंने बोल दिया सर ये HNO3 है, जो कि आपका क्या है बच्चों, वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म है, कौन सा है, वेरी डाइल्यूटेड, कौन सा है बच्चों, ये आपका वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म है। अब जब ये आपका वेरी डाइल्यूटेड होगा तो क्या होगा, सोचो सोचो, थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में आप लोग सोचो, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आपका बनेगा जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, मैंने आपको क्या बताया था, अमोनियम नाइट्रेट, ये इस तरीके का आपका कुछ रिएक्शन है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब ये अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैंने थर्मली डिकम्पोज किया तो सोचो आपको क्या बनेगा, H2O निकालना है, H2O निकाल दिया तो क्या बना, 2 मोल H2O निकाल दिया, क्या बना, N2O बन गया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आपका हो सकता है, या फिर ऐसा भी इससे निकल सकता है कि अगर मैंने ये आपका किससे बना होगा, ये आपका किससे बना होगा, थोड़ा सोचो, अमोनियम नाइट्रेट आपका किससे बना होगा, अगर मैंने अमोनिया, अमोनिया क्या होता है बच्चों, एक तरीके का बेस होता है, बेस की रिएक्शन अगर मैंने एसिड के साथ करा दी तो ये भी तो बन सकता है, ये भी एक तरीका है इसको बनाने का। समझ में आया, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा यहां पर जिंक के केस में, अभी मैं इसको हटा के कॉपर के केस में डाल दूं, अगर मैं कॉपर के केस में डाल दूं तो कॉपर के केस में क्या होगा बताओ आप लोग, कॉपर के केस में वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूटेड कॉपर इज अ व्हाट, पॉजिटिव एसआरपी, पॉजिटिव एसआरपी के साथ क्या होगा बच्चों, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर मैंने इससे बात की तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा एनओ, और यहां पर क्या आ जाएगा सीयू, और यहां पर NO2 ही रहेगा लेकिन यहां पर सीयू। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको रिएक्शन को याद करना है, मगअप करना है, तरीका समझ में आ गया है। इस रिएक्शन को बैलेंसिंग करने का भी तरीका है, अगर आप लोगों को बैलेंसिंग करना सीखना हो तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जरूरत नहीं है बैलेंसिंग करने का, बैलेंसिंग करने का मेथड भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर आपको बैलेंसिंग सीखना हो तो आप लोगों को मैं बता सकता हूं बैलेंसिंग। आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। इट कैन शो पैसिव बिहेवियर ऑल्सो, तो ध्यान रखना इट कैन शो, फिफ्थ पॉइंट था, इट कैन शो पैसिविटी विद सम मेटल, ये कुछ मेटल के साथ क्या शो करता है बच्चों, पैसिविटी शो करता है। पैसिविटी मतलब क्या करेगा, अगर मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन HNO3 के साथ करा दी तो क्या करेगा एल्यूमिनियम, क्या करेगा एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम के ऊपर ये क्या करेगा बच्चों, ऑक्साइड की लेयर को जमा कर देगा। एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी लेयर बना देगा बच्चों, ये ऑक्साइड की लेयर बना देगा, और ऑक्साइड की लेयर बनाने की वजह से, ऑक्साइड के लेयर की फॉर्मेशन होने की वजह से, ऑक्साइड का लेयर खुद में क्या होगा बच्चों, एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर होगा, क्या होगा प्रोटेक्टिव लेयर होगा, ये आपस में खुद में क्या होगा, एक टाइप का प्रोटेक्टिव लेयर होगा, और प्रोटेक्टिव लेयर होने की वजह से ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता, इट कैन नॉट रिएक्ट फर्दर, इट कैन नॉट रिएक्ट फर्दर। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो मेटल जो आपका HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड, दिस बिहेवियर ऑफ मेटल इज कॉल्ड पैसिविटी ऑफ मेटल, दिस बिहेवियर इज मेटल, सॉरी, दिस बिहेवियर ऑफ मेटल इज कॉल्ड पैसिविटी ऑफ मेटल। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, मेटल की पैसिविटी बिहेवियर को, हम यहां से हमको इंडिकेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं यहां पर पैसिविटी बिहेवियर की, तो पैसिविटी को समझते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर पैसिव आपके कौन कौन से होंगे वो मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, पैसिव बिहेवियर कौन कौन से शो करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो पैसिव बिहेवियर शो करने वाले आपके होंगे बच्चों एल्यूमिनियम, क्रोमियम, थोड़ा देखो नेगेटिव एसआरपी वाले को, एल्यूमिनियम था, क्रोमियम भी था, बेरिलियम भी था, कोबाल्ट भी है, और निकल भी है, ये सारे के सारे आपके पैसिव बिहेवियर शो करते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या शो करते हैं, पैसिव बिहेवियर। इसमें इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम क्रोमियम, इसमें इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है बच्चों, एल्यूमिनियम और क्रोमियम भी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखो, यहाँ पर पैसिव बिहेवियर भी आप लोगों का शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पैसिविटी क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, टर्म्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो फिफ्थ, फिफ्थ आप लोग समझना, सिक्स सिक्स पॉइंट, जब ये आपका Mg और Mn के साथ रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो क्या करता है बच्चों, ये आपका
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। कौन सी गैस का एवोल्यूशन होगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफी सिंपल है, काफी ईजी है, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? वन मोल ऑफ HNO3 और थ्री ड्रॉप ऑफ HCl, दैट इज कॉल्ड एक्वारेजिया, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ एक्वारेजिया। जनरली नोबल मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद HNO3 डायरेक्टली। जनरली नोबल मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद HNO3। नोबल मेटल एक्चुअली आपका क्या होता है? नोबल मेटल HNO3 के साथ नो रिएक्शन दिखाता है। नोबल मेटल आपके HNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता, तो क्या होगा? जैसे आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर PTAU, ठीक है, ये आपका नोबल मेटल है, ये HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो हमको इसको रिएक्शन कराने के लिए ये केवल और केवल किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों? एक्वारेजिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है? एक्वारेजिया के साथ। और एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में। ये एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका फॉर्म करता है। देखो कैसे करता है वो सब बात मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखो। अब रिएक्शन कैसे होता है समझ लेना। सबसे पहले HNO3 और HCl आपस में खुद रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन में क्या होता है बच्चों? स्टेप वन में आपका HNO3 और HCl आपस में खुद रिएक्शन करेंगे। अब ये आपस में खुद रिएक्शन करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? NOCl, जिसको क्या बोलते हैं? टिल्डेन रिएजेंट। इसको टिल्डेन रिएजेंट नाम होता है बच्चों, इसका ध्यान रखना, जो मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बहुत ही ज्यादा यूज करने वाला हूँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं इसको। अब टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं तो साथ में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आपका H2O भी रिलीज होगा और साथ में यहाँ पर एक Cl- भी रिलीज होगा। अब क्या होगा बच्चों? जो आपका PTA और जो आपका AU है, स्टेप टू, PT आपका Cl- के साथ रिएक्ट करके PtCl4 कंपाउंड आपका बना लेगा, ठीक है। और AU आपका Cl के साथ रिएक्ट करके AuCl2 कंपाउंड बना लेगा। क्या बना लेगा? AuCl2 कंपाउंड बना लेगा। अब फर्दर मैंने इसकी एक्सिस रिएक्शन करा दी, Cl और मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बना लेगा? वो एक्वस मीडियम में, सब कुछ एक्वस मीडियम में, तो ये खुद में आपका यहाँ पर देखो एक्वस हटा दो, आप लोग समझो PtCl6 2-, यहां पर आ जाएगा AuCl4 2-, ठीक है। अगर मैंने इसको लिख दिया यहां पर H2PtCl6, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड। इसका एसिड का नाम क्या होता है? हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड, लिखा देता हूं ना, इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है बच्चों? अब यहां पर इसका नाम क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो? यहां पर माइनस आएगा, एक ही माइनस आएगा, AU के ऊपर 3 होता है, ठीक है, यहां पर 3 आएगा बच्चों, गलत कर दिया था, ऐसा होगा HAUCl4। इसका नाम क्या होगा? टेट्राक्लोरोऑरिक एसिड, ठीक है। दिस इज नॉट अ IUPAC नेम, यू कैन राइट द IUPAC नेम बाय कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला मेथड। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हिसाब से आप यहां पर IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहां पर HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने आप लोगों को बताई है, आई होप सो कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा, काफी सिंपल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा NO2 को प्रिपरेशन मेथड भी आपको दिख गया होगा, कहीं ना कहीं आपको NO का प्रिपरेशन मेथड भी दिख गया होगा और कहीं ना कहीं आपको NO2 का प्रिपरेशन मेथड भी दिख गया है, ठीक है।
तो ये तीनों का प्रिपरेशन मेथड दिख गया है, और N2O5 को आप लोगों का इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो जो प्रिपरेशन मेथड है वो खुद में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रख ले, ठीक है, इन सब के नामों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है ब्राउन रिंग टेस्ट, मैंने एग्जाम में दिया था वो, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बताया था NO के प्रिपरेशन मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के। आप लोग अपने पेज को टर्न करो और देखो NO का जो प्रिपरेशन मेथड है वो खुद में क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आप लोगों की कनेक्टिविटी डेवलप नहीं होगी चैप्टर में, सो डेवलप द कनेक्टिविटी इन चैप्टर। आप इसको देखो, NO का मैंने क्या लिखा था, NO के प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा था बाय ब्राउन, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सी दिस टॉपिक अगेन। Now, अब हम देख लेते हैं बच्चों यहां पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, तो समझ लेते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। अब देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का टेस्ट इस तरीके से हमारा HNO3 खत्म हुआ। अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का टेस्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, समझना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, अब देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का टेस्ट क्या होगा बच्चों, आप समझते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट। बेटा एक्चुअली दिस इज अ टेस्ट ऑफ, एक्चुअली इट इज अ टेस्ट ऑफ NO3 माइनस आयन। ये एक्चुअली NO3 माइनस आयन का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा फेमस टेस्ट है आप लोगों का। NO3 माइनस आयन का बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा आप लोगों का फेमस टेस्ट है, तो इसलिए आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। देखो क्या करेंगे, NO3 माइनस सॉल्यूशन को मैंने अगर डाल दिया किसके अंदर, NO3 माइनस सॉल्यूशन को मैंने अगर FeSO4 के साथ डाला, देखो याद आ रहा होगा NaNO3, यहां पर मैंने NO के प्रिपरेशन में फर्स्ट स्टेप जो लिखाया था वो NaNO3 करके लिखवाया था। देखो FeSO4 प्लस और साथ में मैंने H2SO4 डाला, ये फर्स्ट स्टेप तो आपको याद हो गया होगा। अब यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका बनेगा Fe2SO4 होल थ्राइस, साथ में आपका NO गैस निकलेगा। साथ में आपका कौन सा गैस निकलने वाला है बच्चों, NO गैस। अब NO गैस का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, NO गैस का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को NO गैस का नाम याद नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ नहीं आएगा। तो NO गैस का नाम और साथ में यहाँ पर क्या होगा, H2O निकलेगा। अब क्या होगा, NO गैस है, NO गैस का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, नाइट्रिक गैस। और NO N2O का नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। और एक और प्रॉपर्टी है, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं, मैंने आपको बताया था पीछे लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया N2O और NO नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ पर N2O का नाम क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका नाम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड लाफिंग गैस, ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो अब देखो यहाँ पर NO बन गया, अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर Fe H2O 6 plus 2 की रिएक्शन, Fe H2O 6 plus 2 की रिएक्शन अगर मैंने NO के साथ करवाई, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, Fe H2O 5 NO plus 2, बहुत बढ़िया, प्लस टू बन जाता है और साथ में आपका क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, H2O। तो क्या हुआ बच्चों समझना, जैसे मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, ये मैं कुछ टेस्ट ट्यूब लेता हूं, यहां मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ मैंने क्या लिया बच्चों, टेस्ट ट्यूब लिया। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने NO3 का कोई सॉल्यूशन डाला, NO3 माइनस का कोई सॉल्यूशन डाला। अब NO3 माइनस के सॉल्यूशन के ऊपर से मैंने क्या डाला बच्चों, यहाँ पर मैंने FeSO4 डाला,
इसको ऐसे नहीं बनेगा, ये आपका कुछ ऐसे बनेगा। इसके अंदर हमारा क्या होगा, FeSO4 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब मैंने साइड बाय वॉल के साइड से मतलब यहाँ से धीरे 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 ड्रॉप वाइज वॉल के ड्रॉप वाइज ऐसे ही करते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट। ही ये वाला एक्सपेरिमेंट करने का तरीका ही ये है बच्चों। आप लोग अपने सर से भी पूछ सकते हो, आप लोग प्रैक्टिकल लैब में भी देख सकते हो, सिमिलर चीज मैं आपको बता भी सकता हूँ, ऐसे ही करते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ से ड्रॉप वाइज मैं क्या डालूंगा बच्चों, वॉल के सहारे मैं यहाँ से डालूंगा H2SO4, ठीक है। H2SO4 मैंने डाल दिया वॉल के सहारे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मैंने डाला। जैसे ही मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वॉल के सहारे डाला तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एक रिंग जनरेट होगा, यहाँ पर आपका एक रिंग जनरेट होगा, यहाँ पर आपका क्या जनरेट होगा, एक रिंग जनरेट होगा जो कि आपके कौन से कलर का होगा बच्चों, रेड ब्राउन कलर का होगा, जो कि आपके कौन से कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर के होगा। यहाँ पर आपका क्या जनरेट होगा बच्चों, रिंग जनरेट होगा जो कि खुद में कौन से कलर का होगा बच्चों, बना देता हूँ मैं कलर भी, ये आपका इस तरीके से रेड ब्राउन कलर का रिंग होगा, कौन से कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का रिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्राउन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये रिंग किसका होता है, इसी का होता है, ठीक है। बात समझना क्या हुआ, पहले स्टेप में अगर मैं स्टेप वन देखना चाहूं तो अकॉर्डिंग टू स्टेप वन में क्या हुआ बच्चों, वो पॉइंट को समझते। स्टेप वन में समझना, यहां पर NO3 ये प्लस 5 था, ठीक है। NO3 रिड्यूस टू, अपने आप को रिड्यूस किया, रिड्यूस टू NO एंड Fe+2 ऑक्सीडाइज टू Fe+3, ठीक है। जो यहां से NO मिला अब वो क्या करेगा, सम कुछ Fe, इसमें से कुछ Fe H2O के साथ कंबाइन होके ये कॉम्प्लेक्स बना लिए होंगे। अब ये H2O की क्या करेगा, NO के साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा। तो ये फिनोमिना ध्यान रखना। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम H2O को डालेंगे, H2SO4 को डालेंगे वॉल के सहारे, किसके सहारे, वॉल के सहारे डालने पर हमारे पास क्या बनेगा, रिंग बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग, रिंग बनेगा, उसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्राउन रिंग, और इसी को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, आप लोगों को समझ में आ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसका IUPAC नेम लिखना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ये सब काम आपका। अब बाकी मेरा काम तो मैंने कर दिया, ये सब काम आपका है, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा वो भी आपको बताना है, पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा ये भी आपको बताना है। ये किससे बताओगे बच्चों, आप लोग MOT थियोरी से, ये आपका काम है। इतना आप लोग कर लोगे तो सब कुछ आप लोगों को समझ में, CFT थियोरी से इतना आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते बच्चों हमारे चैप्टर के सेकंड सेगमेंट पे, नाइट्रोजन फैमिली का सेकंड सेगमेंट हमारा क्या है, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। तो देखते हैं हम लोग कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, तो यहां पर समझते हैं। अब देखो नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड मैंने आप लोगों को बता दिए, अब आप लोग एक एक करके याद रखोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं याद रखोगे तो नहीं फायदा मिलेगा। आप लोग को प्रैक्टिस करना ही चाहिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, इसके लिए आप लोग चिंता ना करो, मैं रिएक्शन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब देखो कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, अब देखो कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस में हमको पढ़ना है, पहला एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, इसके अंदर आएगा बच्चों हमारा फर्स्ट व्हाइट फॉस्फोरस, सेकंड आएगा
व्हाइट को येलो भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस के बाद आएगा हमारा रेड फॉस्फोरस, और हमारा थर्ड आएगा बच्चों ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस जो कि दो फॉर्म होंगे इसके, अल्फा फॉर्म और कौन सा बीटा फॉर्म। ये चीज सेकेंड हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फीन। फेवरेट है ये, बहुत ही अच्छी ज़्यादा पूछा गया है फॉस्फीन। थर्ड हमको पढ़ना पड़ेगा ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। फोर्थ हमको पढ़ना पड़ेगा हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। और फिफ्थ हमको पढ़ना पड़ेगा बच्चों यहां पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो हम इसी सीक्वेंस में चलने वाले बच्चों, तो एक एक करके चलते बच्चों कि सबसे पहले समझते कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस में एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में। तो देख लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। अब हम बात कर लेते किसका, सबसे पहला व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जनरली आपका फॉस्फोरस आपके एलोट्रॉपिक फॉर्म में होता है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस बनता कैसे, बनता कैसे उस चीज को समझना है। तो मैं आपको बता बताता हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट ये आपको पता होगा, अब आपको याद आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। अगर मैंने CA, अगर मैंने खुद ही सोचो CA3PO4 twice into CAF2 ये लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोएपेटाइट। याद आया इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोएपेटाइट। समझ में आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरोएपेटाइट। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर मैंने SiO2 के साथ करा दी तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CaSiO3 बन जाएगा, CaSiO3। इसको बोलते हैं स्लैग, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग। आपको आगे जाके पता पड़ेगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्लैग, स्लैग। और यहां पर क्या बनेगा, P4O10। अब बात समझना, ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस में आपको दिया जाएगा P4O10, तो ये आपका क्या हो गया, P4O10 का एक प्रिपरेशन मेथड भी हो जाएगा। तो इसको कनेक्टिविटी में रखो। अब क्या करेंगे, P4O10 में से मुझे ऑक्सीजन हटाना है, तो P4O10 को अगर मैंने यहां पर कार्बन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ हॉट सील्ड ट्यूब में अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहां पर P4 बन जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। ये रिएक्शन अब आपको समझ में आ गई होगी। ये तो था हमारा जो यहां से बनेगा वो कौन सा बनेगा, व्हाइट फॉस्फोरस। ये व्हाइट फॉस्फोरस प्रिपरेशन करने का एक मैंने आपको मेथड बता दिया है, काफी इजी है। अब एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी होती क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों एक टाइप का होता है वैक्सी सॉलिड, ये एक टाइप का क्या होता है, वैक्सी सॉलिड। अब आपने पढ़ा होगा, अरे मोमबत्ती सुना है ना, सुना है ना, वही वैक्सी सॉलिड होता है। ये क्या होता है, एक टाइप का वैक्सी सॉलिड होता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, ये एक टाइप का वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है। और वैक्सी सॉलिड के साथ साथ ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड मतलब लाइक ग्लास, ग्लास की तरह हम यहां से वहां भी देख सकते हैं, वहां से यहां भी देख सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट ग्लास। अब ये वैक्सी सॉलिड होता है मतलब, सो इट इज कट बाई, सो इट कैन कट बाई नाइफ, मतलब ये वैक्सी सॉलिड होने की वजह से इसको मैं नाइफ से इजीली कट कर सकता हूँ, तो इजी है। अब अगला देखेंगे बच्चों यहां पर, ये नॉट सॉल्युबल इन, ये वाला जो पॉइंट लिखा रहा उसको स्टार मार्क कर लो, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CH2
लाइक CH2, CH2 में सोल्यूबल होता है, बेंजीन, इन सब में आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका बेंजीन, और साथ में लिख दो टोलुइन, इन सब में क्या होता है बच्चों, ये आपका सोल्यूबल होता है। बात क्लियर है? तो ये तो था हमारे इसके बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, घुमा के इससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर। व्हाइट फॉस्फोरस आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है, अगला पॉइंट। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ मोस्ट रिएक्टिव। व्हाइट फॉस्फोरस इज अ मोस्ट रिएक्टिव फॉस्फोरस, मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप्स ऑफ P4। व्हाइट फॉस्फोरस आपका P4 मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रॉप्स होता है फॉस्फोरस का। कैसे, हाउ, मैं ये कैसे बताऊंगा, समझना बात को। अगर मैं P4 का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ व्हाइट फॉस्फोरस का, तो कुछ ऐसा बनता है। आप लोग समझ गए होंगे स्ट्रक्चर, दिस इज अ टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ये खुद में आपका क्या है बच्चों, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है। एंड एंगल बिटवीन द बॉन्ड विल बी व्हाट, 60 डिग्री। मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है बच्चों यहाँ पर, 60 डिग्री। अब यहाँ पर बॉन्ड के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आप लोग जानते हो अगर मैं यहाँ पर भी एक लोन पेयर होगा, अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूँ, तो आपको पता पड़ेगा एक्चुअली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। ये कितना, 60 डिग्री। तो ये अपने बॉन्ड एंगल को बढ़ाना चाहेगा, तो बॉन्ड में क्या डेवलप होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ड्यू टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेस, इट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा। बात क्लियर हुआ? बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेस की वजह से ये आपका खुद में क्या हो जाएगा बच्चों, मोस्ट सुपर मोस्ट रिएक्टिव आपका बन जाएगा ये। जहां तक आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ और पॉइंट्स के बारे में बता देता हूं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में क्या होगा बच्चों, समझना। अगर मैंने P4 की रिएक्शन, अगर मैंने ध्यान से समझना, अगर मैंने P4 मतलब व्हाइट फॉस्फोरस ही बात कर रहा हूं मैं, P4 को अगर मैंने गर्म कर दिया, सबसे पहले ये जो रिएक्शन दिखा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने P4 को गर्म किया, हीट किया हाई टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर 1073 केल्विन से भी ज्यादा होना चाहिए, गर्म किया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2P2। क्लियर है? ये पहला। दूसरा क्या है बच्चों, P4 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करवा दी, तो यहाँ पर समझना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने P4 की रिएक्शन O2 के साथ करवा दी, फाइव मॉलिक्यूल ऑफ O2, अगर मैंने P4 की रिएक्शन 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ करवा दी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, P4O10। यहाँ पर क्या बन जाएगा, P4O10। और ये खुद में क्या होगा बच्चों, ये एक्चुअली वाइट फ्यूम्स होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, ये आपका वाइट फ्यूम्स वाला होगा। क्या होगा, वाइट फ्यूम्स निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा, वाइट फ्यूम्स निकलेंगे। बात क्लियर है? और ये एक्चुअली वोर्टेक्स रिंग होगा ऐसा, मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ रिंग बनेगा, इसको बोलते हैं वोर्टेक्स रिंग। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आपका वोर्टेक्स रिंग टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। आपको समझ में आ गया, साइक्लोन को ही वो वोर्टेक्स रिंग बोलते हैं। यहां तक समझ लेना, साइक्लोन के स्ट्रक्चर को बोलते हैं वोर्टेक्स रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर P4 को मैंने हवे में रखा, तो वो तुरंत O2 के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, तुरंत O2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसका मतलब व्हाइट फ्यूम्स बना लेगा। सो दैट्स व्हाई इट विल
इट विल बी कैप्ट इन वॉटर, इट विल बी कैप्ट इन वॉटर। अब वॉटर के साथ तो इनसॉल्युबल होता है तो ये आपका रिएक्शन तो करेगा नहीं, बात समझ में आई? वॉटर के साथ तो इनसॉल्युबल होता है तो ये आपका रिएक्शन करेगा नहीं, तो इसीलिए इसको वॉटर में कैप्ट करके रखते हैं ताकि ये आपका व्हाइट फ्यूम्स जनरेट ना करें। अब देख लेते हैं आगे, आगे समझते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टी में आगे की ओर चलते बच्चों। अब हम लोग इसको ऊपर लिख देता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देखो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में आगे लिख देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी यही चल रही है, केमिकल प्रॉपर्टी ही चल रही है बच्चों, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग दो बार हेडिंग मत डाल देना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब पी फोर की रिएक्शन किसी और के साथ भी देख लेते हैं हम। पी फोर अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, थर्ड पी फोर रिएक्ट विद मेटल देन फॉर्म व्हाट, मेटल फॉस्फाइड, याद आ गया होगा मेटल फॉस्फाइड। और मेटल फॉस्फाइड का जब भी मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो फॉस्फिन गैस निकलेगी, ये बात भी अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था। चलो देख लेते हैं, पी फोर की रिएक्शन अगर मैंने सी ए मेटल के साथ करा दिया तो जैसे कैल्शियम नाइट्राइड बनता था वैसे कैल्शियम फॉस्फाइड बन जाएगा। अगर मैंने मैग्नीशियम के साथ करवा दिया तो जैसे आपका मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता था वैसे आपका मैग्नीशियम फॉस्फाइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बन सकता है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा, इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? इस तरीके से आपका यहाँ पर कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। और भी रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन नंबर फोर, ठीक है। ये तो आपको फॉस्फाइड बनाना तो आप लोगों को आ गया होगा। अब देखो Cl2 के साथ अगर मैंने P4 की रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दी नॉन मेटल, अब Cl2 के साथ करवाए तो थोड़ा बहुत आप लोगों को सोचने में दिक्कत आ रही होगी। अगर मैंने P4 को एक्सिस कर दिया, आप समझना P4 को एक्सिस कर दिया, इसका मतलब Cl2 क्या हो गया, लिमिटेड अमाउंट में हो गया। तो Cl2 लिमिटेड अमाउंट में हो गया, इसका मतलब जो फॉस्फोरस के साथ जो Cl जुड़ेगा वो लिमिटेड अमाउंट में जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर P के साथ तीन ही Cl जुड़ पाएंगे। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया Cl2 को एक्सिस में कर दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉस्फोरस के साथ जो जुड़ने वाला Cl है उसका अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर देखो पांच Cl जुड़े हैं जबकि यहां पर कितने Cl जुड़े, तीन Cl। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ, आई होप सो कि अब आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान से समझना, फिफ्थ रिएक्शन विद अल्कली, ये सब व्हाइट फॉस्फोरस है, रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, बहुत ही टॉप तरीका बताता हूं। ये अल्कली के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो ध्यान रखना हमेशा एक चीज, ये मैं बता देता हूं 15 16 17, यहाँ पर आएगा नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर ओ सुनील सेट्ठी तेरी पावर और यहाँ पर फिर कल बाहर आई आरती, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो है ये आपके रिएक्शन एन ए ओ एच के साथ वैसे नहीं करेंगे, जो आपके ये वाले जो पार्ट होंगे आज से ध्यान रखो, ये वाले जो पार्ट होंगे ना वो हो, ध्यान रखना हमेशा जब भी अल्कली के साथ रिएक्शन करता है वो कैसा रिएक्शन करता है बच्चों, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको रेडॉक्स नाम के चैप्टर में पढ़ा दिया गया होगा ये सब बात, रेडॉक्स नाम के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। अब समझते हैं क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखो पी फोर की रिएक्शन अगर मैंने एन ए ओ एच के साथ करवाई तो यहां पर बनेगा आपका PH3 और यहां पर बनेगा NaH2PO2, ठीक है NaH2PO2, ये आपका बन रहा है। देखो अब आप समझ गए होंगे, जब आपका NaH2PO2 बना तो यहां पर देखो यहां पर इसका जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर इसका कितना है -3 है, यहां पर आपका कितना है, यहां पर इसका होगा +1। देखो
खुद भी ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, खुद आपका रिड्यूस भी हो रहा है। इसका मतलब P4 आपका क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, यहां पर आपका P4 क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। अब बात समझो, PS3 हम किसको बोलते हैं, फॉस्फिन को। तो क्या ये आपका फॉस्फिन का प्रिपरेशन मेथड बन सकता है, क्या ये आपका फॉस्फिन का प्रिपरेशन मेथड भी बन सकता है ना। तो इस पॉइंट को समझ लेना है आपको। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये तो था हमारा व्हाइट फॉस्फोरस। तो फॉस्फिन हम व्हाइट फॉस्फोरस से बना सकते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस से हम क्या बना सकते हैं बच्चों, फॉस्फिन बना सकते हैं। अब व्हाइट फॉस्फोरस से हम लोग क्या बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पर फॉस्फिन। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ब्लैक फॉस्फोरस के, रेड फॉस्फोरस के बारे में। तो रेड फॉस्फोरस ये तो रेड मार्कर से लिखते चलो, तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। वैसे तो आप लोग बोले होंगे कि सर पूरा रेड से आधे से ज्यादा चीजें लिखते हैं, ये रेड फॉस्फोरस था इसलिए मैंने रेड कलर से लिखा है। चलो आप लोग कोशिश करो बच्चों याद रखने की। अरे रेड फॉस्फोरस कैसे बनता है, बहुत बच्चा यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैंने व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करवा दिया, व्हाइट फॉस्फोरस को रिएक्ट करवाया किससे, 513 केल्विन टेम्परेचर पे, 513 केल्विन टेम्परेचर हॉट सील्ड ट्यूब में, हॉट सील्ड ट्यूब में मैंने रिएक्शन कराया। मैंने क्या कराया, 513 केल्विन पर हॉट सील्ड ट्यूब में रिएक्शन करवाया, कहाँ पर, लॉन्ग ड्यूरेशन पे। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अपने आप जल्दी बोलो, आपका यहाँ पर बन जाएगा रेड फॉस्फोरस। क्या बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस बनाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर रेड फॉस्फोरस बनाना होता है। ठीक है, अब देखो व्हाइट फॉस्फोरस ये आ गया, एक्चुअली आपका क्या होता है बच्चों, डिजोल्व इन NCS2 एंड बेंजीन मैंने लिखवाया था, ये आपका बेंजीन और CS2 में डिजोल्व होता है। बट ये आपका इट कैन नॉट डिजोल्व इन, इट कांट डिजोल्व इन CS2 एंड बेंजीन, ये आपका बेंजीन और CS2 में डिजोल्व नहीं होता। सबसे बड़ी बात है ये आपका बेंजीन और CS2 में डिजोल्व नहीं होता। आप देखो क्यों ये आपका डिजोल्व होता है, ये आपका डिजोल्व नहीं होता, ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों में जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो, इसका स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लिटिल बिट स्लाइटली अंतर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। इसको हम ये भी बोल सकते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। अभी मैं बता देता हूँ कैसे, रीजन मेरे पास सबके हैं बच्चों, बस आप लोग जानना चाहो सीखना चाहो तो आपको बहुत हाई लेवल पे चीजें मैं सिखा सकता हूँ। अब देखो ये आगे भी जुड़ा रहेगा, तो मतलब ये इस तरीके से आपका पॉलीमेरिक फॉर्म होगा, सारे P4 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 यूनिट आपस में जुड़ के एन टाइम्स जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया था शायद से, तभी मेरे माइंड में आया पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। अब बात समझो, व्हाइट फॉस्फोरस में बीच में ये वाला बॉन्ड होता है, व्हाइट फॉस्फोरस जो बनता है बच्चों वो हमारा ऐसा बनता है, ये वाला बॉन्ड बीच में रहता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड टूट के वो अगले वाले पॉलीमेरिक, अगले वाले P4 यूनिट के साथ वो ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा रेड फॉस्फोरस बनता है, रेड फॉस्फोरस का प्रिपरेशन मेथड। और ये आपका लेस रिएक्टिव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेस रिएक्टिव फॉर्म ऑफ, ये आपका लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है P4। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा P4 के बारे में। अब एक्चुअली आप ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर
जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस होता है, इसके बारे में भी एक और चीज जान लो, ये आपका व्हाइट, ये आपका येलो कलर का होता है, ये आपका येलो कलर का आपको अपीरेंस होता है। इसका अपीरेंस कैसा होता है बच्चों? येलो कलर का। अब इसका अपीरेंस मतलब आपको दिखेगा येलो कलर का, क्यों? क्योंकि वो O2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये आपका O2 के साथ रिएक्शन करके येलो कलर का दिखने लग जाता है, रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है ड्यू टू द रिएक्शन विद एयर। अब हम समझ सकते हैं कि इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड कलर। इसका कलर क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है, ये डार्क रेड कलर का इसका अपीरेंस होता है। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। क्रिस्टल होता है ये भी आपका क्रिस्टल फॉर्म में होगा। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फीन के बारे में। देख लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, देन फॉस्फीन स्टार्ट करके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों को कंप्लीट करेंगे, फिर हम हैलोजन कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पर इसका क्या क्या देखना था बच्चों। हाँ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। बच्चों काफ़ी इजी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज समझ लो। पहला, रेड फॉस्फोरस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस आपका लेस रिएक्टिव होता है, रेड फॉस्फोरस इज लेस रिएक्टिव, ये आपका लेस रिएक्टिव होगा। अगर ये आपका लेस रिएक्टिव होगा तो मतलब ये आपका क्या करेगा, अगर ये आपका लेस रिएक्टिव है तो सो इट कैन रिएक्ट विद मेटल एंड इट कैन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ही रिएक्ट करेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। आप लोग बात को समझ सकते हो, ये आपका लेस रिएक्टिव है, इसलिए मेटल और नॉन मेटल के साथ केवल और केवल स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ही ये आपका रिएक्शन करेगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, काफी इजी पॉइंट है। अब हम चालू करते हैं बच्चों ब्लैक फॉस्फोरस, तो ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस को व्हाइट मार्कर से लिख नहीं सकते थे। ठीक है, तो ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस के आपके दो फॉर्म होते हैं, एक कौन सा होता है अल्फा फॉर्म, एक कौन सा होता है बेटा आपका आपका होता है बीटा फॉर्म। अब अल्फा फॉर्म बनाते हैं, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। अब मुझे बताओ तुम लोगों ने रेड फॉस्फोरस हमने लास्ट टाइम बनाया था, थोड़ा सा उसी टाइप का ट्रिक ही है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसी के एक साथ ही याद करने की कोशिश करो। अब आपको ये वाला बनाना है, दो मिनट बच्चों। अब देखो ये वाला आपको बनाना है, तो देख लेते हैं एक बार फटाफट क्या था। हाँ, अब समझो, रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे, रेड फॉस्फोरस की अगर मैं 803 केल्विन पर करवाऊंगा हॉट सील्ड ट्यूब में, तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। और अगर मुझे बीटा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस ऑब्टेन करना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन हॉट सील्ड ट्यूब में हाई प्रेशर, प्रेशर अप्रोक्सीमेट 4000 टू 12000 एटीएम, बट टेम्परेचर विल बी लेस एज कम्पेयर टू बिफोर 453 केल्विन। टेम्परेचर हमको क्या रखना पड़ेगा, 453, ये आपका 473 भी होगा, सॉरी 473 केल्विन। तो आपका बीटा फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस मिल जाएगा, बीटा फॉर्म ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाएगा। अब समझो, अब यहां से एक और चीज, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि व्हाइट फॉस्फोरस ऑब्टेन, तो व्हाइट फॉस्फोरस को अगर मैं 515 केल्विन पर हॉट सील्ड ट्यूब में रिएक्शन कराऊंगा, हॉट सील्ड ट्यूब में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर
आपका यहाँ पर आपका क्या बनने वाला है बच्चों, समझने की बात ये है। तो अगर मैं हॉट सील्ड ट्यूब में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा 513 पे, तो आपका क्या बनता है बच्चों, रेड फॉस्फोरस बनता है। क्या बनता है आप लोगों का यहाँ पर, रेड फॉस्फोरस। आप समझना, ब्लैक जो फॉस्फोरस होगा, ब्लैक फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। ब्लैक फॉस्फोरस आपका मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, यह आपका इलेक्ट्रिसिटी का मॉडरेट कंडक्टर होगा, यह आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा बच्चों, मॉडरेट कंडक्टर होगा, ठीक है। यह आपका मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिकली फॉर्म होगा, ये मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक फॉर्म ऑफ, मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस होगा, मतलब फॉस्फोरस का मोस्ट स्टेबल थर्मोडायनेमिक फॉर्म होगा ये आपका। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब देखो ये आपका मतलब अब ये एक चीज है इसमें कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये पॉइंट ध्यान रखो, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं होता कि धीरे 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 मेल्ट हो रहा हो, नहीं, धीरे 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 मेल्ट नहीं होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों, काफी इजी है। 860 केल्विन होता है, कितना होता है, 860 केल्विन होता है। अगर मैंने 860 केल्विन से कम टेम्परेचर कर दिया, मतलब क्या कर दिया, 853 केल्विन कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ये पूरा का पूरा मेल्ट होगा, आपका सॉलिड होगा, ये पूरा का पूरा मेल्ट होगा, ऐसा तो नहीं है ना, ये आपका सॉलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 860 पर आपका पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है बच्चों, आपका मेल्ट हो जाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका मेल्ट होगा। इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप लोग समझ जाओ, ये टेक्निकली टर्म है जो आपको यूज करते रहना है। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं बच्चों, यहाँ पर फॉस्फीन। कौन सा, फॉस्फीन, जो कि आपका बहुत ही इजी है, बहुत ही आधा मैंने आप लोगों को बता दिया है। फॉस्फीन के बारे में समझ चलते हैं, तो फॉस्फीन देख लेते हैं बच्चों। यहां पर देख लेते हैं फॉस्फीन के बारे में, तो फॉस्फीन को समझते हैं बच्चों। अब हम लोग यहां पर फॉस्फीन क्या होता है बच्चों, हमारा PH3। फॉस्फीन हमारा क्या होता है बच्चों, PH3। तो यहां पर फॉस्फीन हमारा क्या होता है बच्चों, PH3। अब देखो फॉस्फीन का रिएक्शन कैसे होता है, फॉस्फीन को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अगर मेटल फॉस्फाइड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, फॉस्फीन बनेगा। मेटल फॉस्फाइड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, फॉस्फीन बनेगा। तो सबसे पहला तरीका तो आप लोग जानते हो, मेटल की रिएक्शन व्हाइट फॉस्फोरस के साथ करा दो। व्हाइट फॉस्फोरस के साथ कराया तो क्या बना हमारा बच्चों, मेटल फॉस्फाइड बना। ये पहले भी लिखवाया है, मेटल फॉस्फाइड बनेगा। और मेटल फॉस्फाइड का जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, फॉस्फीन बनेगा। ऐसे एग्जांपल में देख सकता हूं कि Na की रिएक्शन अगर मैंने P4 के साथ कराई तो क्या बनेगा, Na3 P2 बन जाएगा। देन इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो आपका PH3 बन जाएगा। बेटा अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन कुछ वैसी है जैसी नाइट्रोजन है, ये रिएक्शन कुछ वैसी है जैसी नाइट्रोजन है। बता देता हूं एक्स्ट्रा में, वहां जाके देखो आप अपने पेजेस पे, लास्ट पेज पे, मेटल की रिएक्शन जब मैंने नाइट्रोजन के साथ कराई तो मेटल नाइट्राइड बना था, मेटल नाइट्राइड बना था। और मेटल नाइट्राइड का जब मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपका अमोनिया बना था। अब याद आ गया होगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वही रिएक्शनों को तरीके तरीके से रिपीट कर रहा हूं। बस आपको ये बातें को जानना है, समझना है, याद रखना है, ठीक है। तो मेटल फॉस्फाइड अगर मैंने इसी में ले लिया, मैंने इसी का एक और एग्जांपल मैं अगर बोलना चाहूं, अगर मैंने कैल्शियम की रिएक्शन P4 के साथ करवा दिया तो मेरा बन जाएगा Ca3P2, और साथ में हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या बन जाएगा बच्चों, PH3। तो ये तो था हमारा फॉस्फीन बनाने का मेथड, दिस इज अ मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फीन। क्या हम यहां से प्योर फॉस्फीन बना पाते, इम्पॉसिबल, हम यहां से प्योर फॉस्फीन नहीं बना पाते। बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को बताऊंगा ये मैं।
ठीक है। और साथ में क्या बनेगा बच्चों, वो भी है लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर NaOH बनेगा और यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, ये बातें ध्यान रख लो। मतलब H2O के OH के साथ वो रिएक्ट करेगा, H2O के H के साथ आपका फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा, बस इस चीज को ध्यान रखो। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बच्चों मैं, ध्यान रखना, अगर मैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस को हीट करूंगा, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखो, H3PO4 ऑक्सी एसिड को अगर मैं हीट करूंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये रिएक्शन रिपीट होगी। ये रिएक्शन आगे मैं कंप्लीट मैकेनिज्म बताने वाला हूँ, कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ में ये रिएक्शन बताने वाला हूँ आप लोग, रिपीटेड होगी ये रिएक्शन आपकी, क्या होगी आगे रिपीट होगी, मतलब हम आगे भी पढ़ने वाले हैं इस रिएक्शन को, हम इस रिएक्शन को आगे भी पढ़ने वाले हैं। अगर मैं H3PO3 को अगर मैं गर्म करूँ तो आपका H3PO4 बन जाएगा, H3PO3 को गर्म करो तो H3PO4 बन जाएगा और PH3 बन जाएगा, ये भी ऑल्सो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आप एक टाइप का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी एक टाइप का क्या है बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये भी एक टाइप का आपका क्या हुआ बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले आप पूरी थियोरी याद करो तो देन आफ्टर मैं आप लोगों को शॉर्टकट जरूर बताऊंगा। अगला थर्ड रिएक्शन है हमारा PH4I की रिएक्शन, जब मैं KOH के साथ कराता हूं तो आपका क्या बनता है बच्चों, यहां पर PH3 बन जाता है फॉस्फीन और यहां पर KI बन जाएगा और यहां पर आपका H2O बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों का क्या बन जाएगा, यहां पर आप लोगों का ये जो आपका फॉस्फीन निकलेगा वो आपका क्या होगा बच्चों, प्योर फॉर्म ऑफ फॉस्फीन, ये आपका क्या होगा प्योर फॉर्म ऑफ PH3, ये आपका क्या होगा बच्चों प्योर फॉर्म ऑफ PH3, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया बच्चों यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि एक और जो इसका प्रिपरेशन मेथड है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं यहाँ पर एक और जो प्रिपरेशन मेथड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ लेते हैं। अब देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड ऑफ PH3, पहले के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब देखो P4 कौन सा वाला, व्हाइट फॉस्फोरस बताया है, इसकी रिएक्शन अल्कली के साथ कराते हैं, देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब PH3 बनाएगा साथ में NaH2PO2 बनाएगा और आपका H2O निकलेगा, ठीक है। This is a preparation method of phosphine. अब जो phosphine मिलता है वो हमको क्या मिलता है बच्चों, impure मिलता है, यहाँ पर phosphine क्या मिलता है, impure मिलता है। अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि impure phosphine को मुझे क्या करना है, प्योर करना है, ठीक है। अगर मुझे impure phosphine को मुझे क्या करना होगा बच्चों, प्योर करना होगा, तो सबसे पहले ये बात समझो कि जनरली PH3 आपका क्या होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, लेकिन ये अब अगर जो इम्प्योर PH3 होगा, इम्प्योर PH3 होता है वो क्या होता है, फ्लेमेबल। इम्प्योर PH3 आपका क्या होता है बच्चों, फ्लेमेबल होता है। अब इम्प्योर PH3 आपका फ्लेमेबल होता है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज कौन सी प्रेजेंट होती है बच्चों, P2H4 और H2 की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जो ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके फ्लेमेबल होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, फ्लेमेबल होते हैं। वैसे तो जनरली NH3 आपका नॉन फ्लेमेबल होता है लेकिन इंप्योर आपका फ्लेमेबल दिखाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो इंप्योरिटीज होती है वो एक्चुअली फ्लेमेबल होती है, इंप्योरिटीज जो होती है वो एक्चुअली फ्लेमेबल होती है, जो कि आपकी P2H4 और H2 होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर मेरे पास तो इंप्योर है, इंप्योर को प्योर कैसे बनाऊं, सोचो अगर मैंने PH3 जो मुझे ऑब्टेन हुआ उसके अंदर P2H4 है, उसके अंदर H2 है, H2 भी है और P4 भी है, H2 भी है और यहां पर क्या है बच्चों, P4 भी है, ये भी मान लिया चलो, कई कई बार बुकों में दिया होता है। अब ये मेरे एक बैग के अंदर प्रेजेंट है, इसको मान लो ये मेरे एक बैग के अंदर मैंने रख दिया, बैग के अंदर इसको। अब इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ करा दी, आप देखो HI इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां से बहुत बड़ा मैकेनिज्म बताने वाला हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन। HI के साथ करा दी,
तो यहाँ पर आपका पी एच फोर आई बन जाएगा, और इसकी रिएक्शन आगे फर्दर मैंने के ओ एच के साथ करा दी, तो थोड़ी देर पहले लिखी हुई रिएक्शन आ गई। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, पी एच थ्री, जो कि आपका कौन सा फॉर्म होगा, प्योर फॉर्म होगा, और साथ में क्या बनेगा, एच आई बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, एच टू ओ बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से साथ में एच आई नहीं, साथ में के आई बन जाएगा, के आई बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्योर फॉर्म ऑफ एन टू को मैं ऑप्टेन, प्योर फॉर्म ऑफ पी एस थ्री को मैं ऑप्टेन कर सकता हूँ, जो कि काफी ईजी है निकालना। अब पी एस थ्री की खास बात जान लेते हैं। अब पी एस थ्री की खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से। अब पी एस थ्री की एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर पी एस थ्री आपका क्या होता है बच्चों, इसका स्मेल, इसका स्मेल होता है रोटेन फिश लाइक, रोटेन फिश लाइक स्मेल होता है, रोटेन फिश लाइक इसका स्मेल होता है, पहला स्मेल इसका क्या होता है बच्चों, रोटेन फिश लाइक होता है। और पी एस थ्री आपका क्या होता है, हाईली सोल्यूबल एंड पॉइजनस होता है, हाईली सोल्यूबल एंड पॉइजनस इन नेचर होता है, हाईली सोल्यूबल एंड पॉइजनस इन नेचर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, क्या बच्चों ये क्या होता है, पी एस थ्री आपका हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है, क्या होता है, हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है। ठीक है, हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है आपका। अब ये क्या होता है, ये आपका 185 केल्विन के नीचे, ये आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका लिक्विड में होता है, ये आपका लिक्विड में होता है 185 के नीचे, ये आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, और 139 केल्विन के नीचे ये आपका सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब क्या होता है बच्चों, पी एस थ्री जनरली आपका न्यूट्रल अबाउट लिटमस पेपर के अबाउट क्या होता है बच्चों, ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारा फॉस्टिन जो होता है पी एस थ्री न्यूट्रल अबाउट लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर में ये आपका न्यूट्रल आपका मतलब अफेक्ट को दिखाता है, ये बात आप लोग जान लो। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैं आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर मैं बेटा यहां पर पीएच थ्री का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये आपका टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल करेक्ट है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर आपका 109 डिग्री का एंगल नहीं होता, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ड्रेगोज रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्रेगोज रूल एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप during the formation of मतलब अकॉर्डिंग टू ड्रेगो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग बनाने के दौरान ये आपका क्या होता है ड्रेगोज रूल में केवल एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपके कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात को समझो If hybrid orbital is participate in bonding, then it is called sp3 hybridized. Then it is
then it is sp3 hybridized। ठीक है, तब ये आपका क्या होता बच्चों, sp3 hybridized होता। बात क्लियर है? तब ये आपका sp3 hybridized होता, अभी ये आपका sp3 hybridized नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो ये आपका लोन पेयर होता है वो मैक्सिमम कहां होता है, मैक्सिमम प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, मैक्सिमम प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, ये भी मैंने आपको बताया था। जो लोन पेयर होता है वो आपका मैक्सिमम एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अब एस ऑर्बिटल वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियाई, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियाई के काफी क्लोज होता है। जब एस ऑर्बिटल आपके न्यूक्लियाई के काफी क्लोज होगा तो न्यूक्लियाई में पॉजिटिव चार्ज होता है, और एस ऑर्बिटल में क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, यहां पर इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और आपका एस ऑर्बिटल वेरी वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियाई, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, यहां पर आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ेगा, और अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा ये लोन पेयर और इसके न्यूक्लियाई के बीच, जब आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब मुझे ये बताओ, क्या ये अपना लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा? Then it cannot donate, it cannot donate its lone pair easily। ठीक है, ये अपने लोन पेयर को इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। अब यहां से एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनता है। मैंने PS3 को प्योर करने के लिए HI के साथ रिएक्शन कराया। आपके माइंड में नहीं चला कि क्या सर मैं इसका रिएक्शन HCl के साथ क्यों नहीं कराया, HI के साथ क्यों कराया? तो जनरली जान लेते हैं, यहां पर HI, HBr, HCl, HF, इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इनका एसिडिक ऑर्डर है। अभी थोड़ा आप लोग मगअप करो, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, ये मैंने ऑर्गेनिक में भी लिखवाया, ये आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। सबसे पहला मैंने HI ही लिखाया होगा। अब बात को समझो, यहाँ पर HI आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है, अब सबसे ज्यादा एसिडिक है तो ये क्या करेगा कि ये इसके लोन पेयर को पार्टिसिपेट करा लेगा, ये इसके लोन पेयर को पार्टिसिपेट करा लेगा, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब इसको स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, PH4I बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पर PH3 की रिएक्शन HCl के साथ कराई तो ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसिड है, वीक एसिड है एज कंपेयर टू HI। तो इसीलिए यहां पर ये नो रिएक्शन आकर होगा, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो मतलब PH3 के रिएक्शन के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए मैंने प्योर करने में HI का यूज किया, वहां मैंने HCl का यूज नहीं किया। दिस इज अ प्योर कंसेप्ट, ये आपका प्योर कंसेप्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड अब केमिकल प्रॉपर्टी में आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब दूसरा पॉइंट रिएक्शंस को देख लेते हैं, रिएक्शंस हमारी कैसी है। रिएक्शंस तो काफी इजीली है, काफी इजी आप लोग कर लोगे, काफी इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे रिएक्शन को। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं रिएक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी, PH3 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करवाई तो आपका क्या बनेगा बच्चों, तो आपका क्या बनेगा, थोड़ा सोचो, H3PO4 क्या बन जाएगा, H3PO4 मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। थर्ड, अगर मैंने PH3 की रिएक्शन, फॉस्फीन की रिएक्शन अगर मैंने Cl2 के साथ कराई तो समझना, अगर Cl2 आपका एक्सिस में होगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, PCl5, अगर एक्सिस में होगा तो क्या बनेगा, PCl5। और अगर आपका मतलब लिमिटेड अमाउंट में होगा तो क्या बनेगा, PCl3 और साथ में HCl। अब फोर्थ रिएक्शन देखो, एक्सिस अमाउंट में होगा तो ज्यादा वाला बनेगा, अगर लिमिटेड अमाउंट में होगा तो कम वाला बनेगा। ये तो कंसेप्ट है, ऐसे ही हमको कंसेप्ट को बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैंने PH3 की रिएक्शन N2O के साथ करा दी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जा चुकी है, काफी टीचर्स को भी नहीं याद रहता है रिएक्शन। अब इसमें क्या बनेगा बच्चों, H3PO4 बन जाएगा, ये भी आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर H3PO4 और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस।
अगर इसकी रिएक्शन PH3 की रिएक्शन अगर मैंने NO के साथ करवा दी तो यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा और साथ में आपकी कौन सी गैस निकल जाएगी, N2 गैस। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर रिएक्शन है जो कि काफी ईजी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि इसका यूज जो होता है बच्चों होम सिग्नल में, तो यूज ऑफ PH3 आपका यूज किसमें होता है बच्चों, इसका होम सिग्नल मतलब आप लोग समझे, होम सिग्नल मतलब आप लोग समझे नहीं समझोगे, अरे बेटा जब शिप आपकी गुजर रही होती है तो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस मतलब शिप को डायरेक्शन दिखाने के लिए आपके लाइट हाउस होते हैं ना, तो वो लाइट हाउस में सिग्नल डेवलप करना वही होता है होम सिग्नल। अरे ठीक है, एक्चुअली टाइटेनिक डूबा क्यों, टाइटेनिक आपका इसलिए डूबा क्योंकि उस टाइम सब जगह फोग था तो उसको होम सिग्नल दिखे ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए। और होम सिग्नल इसलिए भी यूज होता है बच्चों कि रेस्क्यू करने के लिए, अगर मैंने शिप से अगर मैंने फॉस्फेट जला दूंगा तो वहां पर भी एक चमक डेवलप होगी तो उससे बाहर वाला कोई देख सकता है। एक्चुअली सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में टाइटेनिक के टाइम आपका क्या था, फोग था, फोग होने की वजह से होम सिग्नल उसको भी ना दिखे क्या हुआ अंत तो आपको पता ही है। तो क्या होगा, होम सिग्नल में यूज होता है, तो यहां पर Ca3 कैल्शियम फॉस्फाइड H2O के साथ रिएक्शन करा देते तो क्या बनता है बच्चों, यहां पर CaOH होल ट्वाइस, आपको पता है फॉस्फाइड की रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो H2PH3 बनेगा, तो यहां पर फॉस्फीन बनेगा और फॉस्फीन के साथ साथ आपका P2H4 भी बनता है और P4 भी बनता है। एक्चुअली ये तो आपका नॉन फ्लेमेबल होता है लेकिन ये बाकी तो आपके फ्लेमेबल होते हैं, और ये वाटर सरफेस पे क्या होते हैं, ये आपके वाटर सरफेस पे कलर अपीयर करते हैं, ये आपके वाटर सरफेस पे क्या अपीयर करते हैं बच्चों, कलर अपीयर करेंगे, ये आपके कलरफुल होंगे वाटर सरफेस पे, ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, कलरफुल आपके हो जाएंगे, लाइट डेवलप करेंगे। अब वारफेयर में एक्चुअली एक और इसका यूज है लड़ाई में, तो यहाँ लिख देता हूँ, इन अ वारफेयर में लड़ाई में स्मोक स्क्रीन डेवलप करने में काम आता है, जैसे PH3 की रिएक्शन, बात को समझना, PH3 की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ करा दी, ठीक है, O2 के साथ अगर एक्सिस अमाउंट में कराई तो यहाँ पर P2O5 बनेगा जो कि आपको क्या डेवलप करेगा, स्मोक स्क्रीन लड़ाई के टाइम स्मोक डेवलप करने में, ताकि सामने वाला आपको बंदूक से गोली ना मार सके, इस चीज का ध्यान रखो, यही तो था इसका यूज। आई होप सो कि अब आपको फॉस्फिन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका फॉस्फिन क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को क्लियर करते हुए ऑक्सीजन फैमिली की ओर मूव करेंगे। आई होप सो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग वे में चीजें समझ में आई होगी, एक बार हम लोगों को रिएक्शन प्रैक्टिस का एक लेक्चर बनाना, बाकी ओवरऑल खत्म, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।